बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हेल्दी एंड टेस्टफुल किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन के शामी कबाब, और इसके लिए हमें चाहिए एक कप चने की दाल, जिसको मैंने दो चार घंटे के लिए भिगो दिया था, दो दरमियाने साइज के आलू, एक छोटी सी प्याज जिसको मैंने बारीक काट लिया है, वन बाउल चिकन है ये देखिए, और गरम मसाला को जो है ये मैंने दो दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, एक बड़ी इलायची और दो तीन काले मिर्च और दो लौंग और एक तेज पत्ता लिया। इसमें जो मसाले डालेंगे वो कुछ यूँ हैं, ये मैंने अदरक के तीन चार टुकड़े लिए, ये देखिए लहसुन के मैंने पाँच छः जवे ले लिए हैं, वन टेबल स्पून नमक, और ये मैंने 10 से 12 मैंने साबित लाल मिर्च ली है, और ये मैंने 1 टेबल स्पून काला जीरा और 1 टेबल स्पून सफ़ेद जीरा लिया है, और ये मैंने 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया और 1/4 टीस्पून हल्दी ली है। ये देखिए मैंने एक पतीली ले ली है, इसके अंदर मैं ये चने की दाल डालूंगी। अब मैं इसमें ये चिकन डालूंगी, प्याज, आलू, जो मैंने गरम मसाला लिया था ये डालूंगी, लहसुन, अदरक, धनिया और हल्दी, ये मिर्चे और जीरा। अब मैं इसमें 2 कप पानी डाल के इसको मैं पकने के लिए रख दूंगी, इतना कि गोश्त भी गल जाए और चने की दाल भी गल जाए। ये देखिए इसका पानी खुश्क हो चुका है। अब मैं इसमें से चिकन निकालती हूँ, क्योंकि मैंने हड्डी वाली चिकन ली थी, इसमें मैं इसकी बोटी रख दूंगी, हड्डियाँ इसमें से निकाल दूंगी, और इसमें से मैं तेज पत्ता भी निकाल दूंगी, बड़ी इलायची भी निकाल दूंगी, इसके बाद हम इसको पीसेंगे। ये देख लीजिए मैंने इसको पीस लिया है। अब इसमें जो मसाले डलेंगे वो कुछ यूँ हैं, ये मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें बारीक काट ली है, हाफ मैंने ये लेमन लिया है, 3 से 4 टेबल स्पून मैंने हरा धनिया लिया है, 3 से 4 टेबल स्पून मैंने पुदीना लिया है, एक छोटी प्याज को ऑमलेट स्टाइल मैंने काट लिया है, इसको 1 टेबल स्पून करके मैंने गरम मसाला लिया है, और मैंने ये अदरक को, सिर्फ अदरक को मैंने बिल्कुल बारीक इसको मैंने पीस लिया है, ये 1 टेबल स्पून है ये अदरक, और 3 से 4 टेबल स्पून मैंने बैट क्रम लिया है और 1/2 अंडा। अब मैं इसमें इन तमाम चीज़ों को डाल दूंगी। मैं पहले अंडा डालूंगी, अदरक, गरम मसाला, बैट क्रम, और ये हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और लेमन, प्याज, और मैं ये लेमन डाल दूंगी। मैंने पीसते वक्त 1 टेबल स्पून मैंने इसको बॉईल करते वक्त 1 टेबल स्पून नमक डाला था, अब मैं ये इसमें 1/2 टेबल स्पून नमक डाल रही हूँ, और नमक आज में जरूरत, आप ज़्यादा खाते हो तो ज़्यादा डालिए, कम खाते हैं तो कम डालिए, वैसे मैंने इसमें 1/2 टेबल स्पून नमक डाल दिया, और उसको मैश करके मैं कबाब बना लूँगी। ये देखिए मैंने कबाब बना लिए हैं, बाकी कबाब मैंने फ्रीज कर दिए हैं, आप इनको 1 मंथ के लिए फ्रीज भी कर सकते हैं। अब मैं आपको इसको फ्राई करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने एक फ्राई पैन में ऑयल डाल दिया है, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और मैं इसके अंदर ये कबाब अब फ्राई करने के लिए रख दूंगी। ये देखिए नीचे से ब्राउन हो चुके हैं, हम इसको पलट देंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया, ये देखिए। ये देखिए दोनों तरफ से फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखिए मैंने इसको डिश आउट कर लिया है, ये चिकन के मज़ेदार शामी कबाब तैयार हो चुके हैं। अगर मैं आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।